ये है दिल्ली दर्पण। बीजेपी का नाम मतलब जो एनसीडी में आई है कुछ नहीं करती है। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त हम वार्ड 27 यानी बुद्ध विहार में मौजूद हैं। यहाँ पर हम चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि इन चुनावों में उनको आम आदमी पार्टी कितनी स्ट्रांग नज़र आ रही है। एमसीडी में कोई काम नहीं होता यहाँ पे, जो बीजेपी है इसमें आम अभी काम नहीं हो रहा, इसीलिए आम पार्टी आने की उम्मीद है पूरी। इनका जो भी है काम करने का रवैया थोड़ा अच्छा लग रहा है और आम पार्टी थोड़ी सी स्ट्रांग है हमारी, ये आएगी अभी। इसमें आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग लग रही है, बीजेपी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और इस एरिए में तो दीपक है तो दावेदार हैं सीट के, अगर टिकट मिल जाती है तो। दीपक जो आप कहते हैं कि तो उसका तो नाम ही मत लो, यही बीजेपी का नाम मत लो जो एमसीडी में आई हुई है कुछ नहीं करती है। और उससे बढ़िया तो दीपक है जो अभी आया भी नहीं है, बहुत कुछ कर रहा है और अभी फ़ोन करो तो अभी आएगा, समझे मेरी बात को। अगर कोई हमें मुसीबत है या कोई दिक्कत है तो अब भी आएगा फ़ोन करते साथ। दीपक जैन जी बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं, जनसेवा में भी बहुत ज़्यादा उनका आगे से आगे आद रहा है। साफ़ सफाई में पहले से ज़्यादा अब सुधार है, मतलब पहले तो गलियों में आते नहीं थे साफ़ सफाई के लिए, और के जब से मतलब उन्होंने काफ़ी आगे से आगे जो है काम जो है बहुत अच्छी तरीके से अब संभाला है। और जो है आगे भी मैं तो चाहता हूँ कि दीपक जैन जी आए और जो है बुद्ध विहार को और थोड़ा अप करें नीचे से, काफ़ी पहले तो स्थिति काफ़ी ख़राब थी अब जो है बहुत अच्छी है। इस आम चुनाव में जो भी आम आदमी पार्टी है सबसे हैवी पे है, क्योंकि बीजेपी ने तो यहाँ से कुछ किया नहीं है, जो किया है आम आदमी पार्टी ने कर रखा है और वही इस बार आएगा भी। इस बार दीपक जैन ही आएगा इस बुद्ध विहार के मार्केट में और कोई आ भी नहीं सकता इस बार। इसमें कुछ साफ़ सफाई नहीं है मैडम, क्योंकि आप नाले के आसपास जाओगे तो बहुत गंदा बुरा हाल है, क्योंकि पहले फिर भी सफाई थी, पिछले 4-5 साल में कोई सफाई नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग भी देख रहे हैं, मैं बेसिकली रोहिणी रहता हूँ, दुकान हमारी इधर है, रोहिणी के से कंपेयर करो तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है सफाई का। तो बुद्ध विहार से तो आम आदमी पार्टी आएगी, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वही है यहाँ पे, तो काम ही ये करवा रहा है पूरे इलाके के अंदर। बाकी हमारा जैन भी है, बाकी देखो किसको मिलती है वैसे टिकट, दोनों ज़्यादा पक्ष में है। आम आदमी जी 100% आएगी दिल्ली में, दिल्ली में सारे अच्छे काम कर रहे हैं, बिजली है, पानी है, देखो रोडें बन रही हैं, सारी चीज़ें सीवर वगैरह सारा काम करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है वो तो आप इस वीडियो में देख ही चुके हैं। ऐसी ही और खबरों के साथ हम आपको फिर मिलेंगे किसी और वार्ड में, किसी और जनता के बीच। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन निरुपमा के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर